जय हिंद। ये हम पार्ट टू को लेके आए हैं आज। ये पार्ट टू में जो इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो देखना है थोड़ा सा। ये आप ये पार्ट टू है, और पार्ट टू में इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। एक है आपका ये चैनल्स जो है वो डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों में बोला जाता है बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान नहीं होता, तो यही आपका गुरुदक्षिणा है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब पार्ट टू का जो पार्ट है इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, सेम है, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, और आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। हिंदी इंग्लिश दोनों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा और उसको आप समझेंगे। समझने के बाद जो इसमें आपका अपना नोट्स है दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी वही होगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। सिर्फ उसको समझ के दिमाग में रखना है और कैसे उसको यूज़ करना है हम लोग देखते हैं। तो ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है, तो आते हैं हम लोग वन बाय वन। लेकिन आप सब्सक्राइब जो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। तो आते हैं। एक है बायोपिरेशी, व्हाट इज़ बायोपिरेशी? तो इसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में डाला गया है कि बायोपिरेशी के बारे में बताइए। तो बायोपिरेशी जो है वो क्या है? तो ये एक्चुअली एक चोरी है। ये क्या है? एक चोरी है, चुरा लेते हैं। जैसे किसी का मटेरियल है और बिना उससे पूछे अगर आप चुरा लेंगे और उसको बोलेंगे कि नहीं ये मेरा है, तो दैट इज़ कॉल्ड बायोपिरेसी। तो चूंकि बायोलॉजी में चुरा रहे हैं इसीलिए बायो वर्ड चुरा हुआ। पायरेसी जो है वो एक वर्ड ही है चोरी का। तो इसमें हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि बायोपिरेसी इज़ द अनइथिकल। अनइथिकल मतलब होता है अनलॉफुल, मतलब ये चोरी करने का है। किसको चुराते हैं? कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो ये अधिकार मिला हुआ है ऑथर्स को कि अगर आपने कोई काम किया है तो ये आपका है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा है, ये मुझे अधिकार मिला हुआ है। इस वीडियो को अगर कोई दूसरा चुरा के बोले कि नहीं वो मेरा है, तो ये इस चुराने ये आप बायोलॉजी में नहीं कर सकते। चाहे किसी का डिस्कवरी हो, चाहे पेपर प्रोडक्शन होता है, चाहे कोई मतलब प्रोडक्ट हम देते हैं, तो वो सब कुछ भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, जिन्होंने सिंथेसाइज किया है वो उसी का है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लॉ है, और उस चोरी करने का जो प्रोसेस है उसको हम बायोपिरेसी बोलते हैं। कभी कभी आप क्या कहते हैं कि हम कॉमर्शियली यूज़ कर दिए कोई सामान को। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे नॉर्मल आते हैं जो सेम डिज़ाइन सेम इसके होते हैं, वो थोड़ा सा बायोपिरेसी टाइप होता है, तो वो नहीं करना है। अगर आपको अपना काम करना है तो खुद का काम करना है, दैट इज़ कॉल्ड बायोपिरेसी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि बायोपिरेसी इज अनइथिकल। अनइथिकल मतलब ये अनलॉफुल, ये लॉ नहीं है। अगर आप बिना किसी मतलब ऑर्डर के, बिना किसी परमिशन के, अगर जिसने जो काम किया है उससे आप चुरा लेते हैं या उसके प्रोडक्ट को चुरा लेते हैं, तो वो वही बायोपिरेसी है। हाँ, बायोलॉजिकल मटेरियल चुरा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोपिरेसी। तो मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट दैट आर नेटिव और पर्टिकुलर कंट्री, किसी कंट्री का कोई सामान है। जैसे बायोपिरेसी में एक चीज़ आया था कि हमारा बासमती राइस जो है वो दूसरे देश क्लेम कर दिए थे यूएसए कि नहीं ये मेरा है, ठीक है, तो फिर बाद में इंडिया ने लड़के वो राइस लिया है, तो वो भी है। या कोई भी टेरिटरी का कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट है विदाउट प्रोवाइडिंग फेयर फाइनेंशियल कंपनसेशन। हाँ, हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च इसीलिए करते हैं कि जनरली ह्यूमन वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ये एक रिसर्च का पर्पस होता है। लेकिन अगर आप उससे फाइनेंशियली कुछ अर्न कर रहे हैं तो जिसने ये काम किया है उसको देख के, उससे पूछ के वो आपको फ्री में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको, जैसे बहुत सारे पेटेंट्स फ्री होते हैं तो वो फ्री में दे सकता है। लेकिन अगर वो काम किया हुआ है, अगर काम करके वो उसने कुछ दिया है, उसने बहुत सारा पैसा लगाया है उसमें, अगर उसको आप चुरा के बोलते हैं कि नहीं मेरा ही काम है, तो ये प्रॉब्लम है। ये हर एक जगह होता है, ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे रहते हैं वो चोर नहीं होते हैं, वो इस टाइप में देखते हैं। जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर है चुरा लेते हैं एक कंपनी दूसरे कंपनी का, तो वो लोग केस कर देते हैं, सबका उनका डाटा होता है उनके पास वो है। तो जिनका है ये, उनको अगर फाइनेंशियल कंपनसेशन आप देते हैं, अगर नहीं देते हैं तब वो बायोपिरेसी है, देते हैं तो वो नॉर्मल है, इथिकल है उस गवर्नमेंट को या उस कंट्री को या उस टेरिटरी को। अगर आप पे करके यूज़ कर रहे हैं कोई सामान को तो दैट इज़ बायोपिरेसी। सिंपल वर्ड आप समझ लीजिए कि बिना ट्रेन में आप चढ़ गए बिना टिकट के, दैट इज़ चोरी।
तो वही वो काम नहीं करना है। तो जिसका जो सामान है उसको दे के अगर आप यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, उसको बिना दिए हुए अगर आप चुरा के कर रहे हैं वो बायोप्रेसिया, क्योंकि बायो लगा हुआ है इसका मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स को आप चुरा रहे हैं। जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट है, किसी ने निकाला कि हाँ एक्सट्रैक्ट है, वो उसका पूरा प्रोसीड्योर होता है कैसे निकाला कैसे किया किया, वो कहीं दिया उसको आप कहीं चुरा के बोल दिए कि नहीं ये तो मैंने निकाला है, दैट इज़ बायोप्रेसिया। ठीक है, तो बायोप्रेसी सिंपल है। तो इसमें दो वर्ड्स यूज करना आंसर में बहुत जरूरी है, एक है अनइथिकल एक है अनलॉफुल। ठीक है, दो ये है। हाँ, जिस किससे अगर आप फाइनेंशियल कंपनसेशन दिए बगैर बिना उसके परमिशन से अगर आप उस सामान को यूज कर रहे हैं या उसके प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोप्रेसी। तो सिंपल है, एक बहुत छोटा सा स्लाइड है, इसी को आप हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, बायोप्रेसी किसी देश या क्षेत्र के लोगों या सरकार को उचित वित्तीय मुआवजा प्रदान किए बिना, ये क्या है, इसके बिना अगर वो कर देते हैं तब वो बायोप्रेसी में नहीं आएगा। अगर उसके बिना आपने किसी विशेष देश या क्षेत्र के मूल निवासी जैविक सामग्रियों जैसे औषधीय प्लांटों के अर्क का अनैतिक या गैर कानूनी विनियोग या व्यावसायिक शोषण है, तो बायोप्रेसी क्या है कि अनैतिक कार्य है, ये चोरी है तो अनैतिक होगा ही, सिंपल सी बात है। तो इसको आप सिंपल ये एक लाइन लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका है बायोप्रेसी, आते हैं हम, तो होप इसमें क्या क्या वर्ड्स, किसी आंसर में आप क्या क्या वर्ड्स को डालेंगे, ये जैसे यहाँ पे है अनैतिक या गैर कानूनी, तो ये सब वर्ड्स आपको लगाना पड़ेगा, अनइथिकल अनलॉफुल। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, एक है जीएमओ, क्वेश्चन आएगा थ्रो लाइट्स ऑन जीएमओ। जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जब भी हम बोलते हैं तो प्लांट भी आता है और एनिमल भी आता है। तो प्लांट जब आता है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन होता है, अरे हम जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो होता है वो उसके पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जो एमआरएनए बनाता है और वो प्रोटीन बनाता है, दैट इज कॉल्ड जीन। तो अगर किसी ओरिजिनल प्लांट में या एनिमल में, तो यहाँ पे जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसमें हमने जीन का कुछ ऊपर नीचे कर दिया, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है मतलब जीन में हमने चेंज किया है। जीन क्या है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो जिसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो सिस्ट्रॉन में मॉडिफाइड कर दिया। बोले क्यों मॉडिफाइड करना है, तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट के लिए, कुछ जैसे हमने मान लीजिए एक बैक्टीरिया है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग जीन मॉडिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग का ह्यूमन के सेल में इंसुलिन का जीन है, आपने पढ़ा भी होगा बायोटेक्नोलॉजी में, तो इंसुलिन का जीन हम लोग काट के ई कोलाई बैक्टीरिया में जोड़ देते हैं। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, चूंकि उसमें ह्यूमन इंसुलिन का जीन जुड़ा हुआ है तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक क्लियर कर दूँ कि जैसे मतलब ह्यूमन बनाने का बहुत सारा प्रोसीड्योर है, उसमें मतलब एक चेन के लिए दो चेन होता है ह्यूमन इंसुलिन में, तो दोनों को अलग अलग हम बनाते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं दोनों चेन के लिए। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड में, तो बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन का जीन जनरली नहीं पाया जाता, क्यों पाया जाएगा, ह्यूमन का जीन है, उसको हमने क्या किया, ह्यूमन का जीन उसमें ऐड कर दिया, तो वो मॉडिफाइड कर दिया हमने। अब वो आरडीएनए एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब दो अलग अलग स्पेसीज के डीएनए को आप एक साथ जोड़ देते हो और जो जुड़ा हुआ डीएनए है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हो तब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, जेनेटिकल मतलब जीन का मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे बैक्टीरिया की जीन में हमने ह्यूमन इंसुलिन का जीन जोड़ दिया, तो वो इस टाइप का जो जीन मॉडिफिकेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म जब बोल रहे थे इसमें दोनों चीज आएंगे, एक प्लांट भी है और एक एनिमल भी है। ठीक है, और एनिमल में माइक्रोब्स भी आ जाते हैं। तो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल में अगर आप उसके अलावा कोई दूसरे एनिमल का जीन जोड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये जीन जोड़ने का काम जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप समझ गए,
एक जैसे ह्यूमन का इंसुलिन का जीन है, दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों का जीन हम लिए, एक्सट्रैक्ट किए और दोनों को हमने एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। अगर आपको ध्यान होगा, रिस्ट्रिक्शन एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और दोनों कटे हुए पार्ट को हम जोड़ देते हैं, उससे जो फाइनल बना उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म में आप डाल देंगे, हाँ, होस्ट जो होता है वो भी कंपेरेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिकॉम्बिनेंट आप कहीं भी डाल सकते हैं, जो कंपेरेबल होस्ट होता है उसमें आप डाल देंगे, वही हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये हमको एक्टिवली वो प्रोडक्ट देता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनेटिकली ये आरडीएनए लगा हुआ है उसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ट्रांस मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट जीन उसमें है। एक ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीन है ही, और कुछ जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डाला हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस जीन। तो जीएमओ में आपको क्या क्या समझना है कि जीएमओ वो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आर दोज इन विच डीएनए फ्रॉम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन का डीएनए इज इंसर्टेड इन द लेबोरेटरी, किसी जो डिजायर्ड जीन है हम किसी दूसरे एनिमल में इंसर्ट कर दिए, और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। और ये क्रिएटेड होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। तो आरडीएनए आप पढ़े होंगे, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो एनिमल या दो स्पेसीज के जीन एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक डीएनए में डाल के हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद हम उसको पर्टिकुलर होस्ट में डाल देते हैं। तो ये हुआ आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी होते हैं, आप पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं, क्रॉप्स भी होते हैं। जैसे कोई जिसमें हम मान लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है, जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो वो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, उसको हमने क्या किया है, राइस प्लांट में डाल दिया है। तो राइस, वो जीन जनरली राइस प्लांट में होता नहीं है, लेकिन राइस प्लांट में जीन डाल दिया तो वो राइस का जो क्रॉप है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। बस यही चीज़ है। अब हुज जीन आर मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या होता है कि वही दो डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, फिर डीएनए लाइगेज से जोड़ते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। और अगर इस टाइप का क्रॉप जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले हुए हैं उसको हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं। ट्रांस का मतलब होता है दो दो जगह से जीन आया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक क्रॉप। द मेन गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग जीएमओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हम जीएमओ बनाते हैं, तो इसमें दो है। एक तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास फूड का लैंड जो है हमारे पास फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जीएमओ का दो बेसिक फंक्शन होता है कि एक तो हमको प्रोडक्शन अच्छा करना है, तो हम ऐसा जीन डालते हैं उसमें जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड का बढ़ जाए, अमाउंट ऑफ फूड ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और दूसरा हम लोग डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, जितने भी डिजीज़ हैं उसमें डिजीज ना हो उसके लिए। जैसे आपने बीटी कॉटन बनाया, तो ये तो एक मतलब वैरायटी था जिसमें हमने जीन डाला था, दूसरे जगह का बैक्टीरिया का जीन हमने डाला था कॉटन में, जो टॉक्सिन बनाता था, जो एक प्रोटीन बनाता था जो एक टॉक्सिन होता था। तो बीटी कॉटन इसी का एग्जांपल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो बहुत सारे क्रॉप्स हमने बनाए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें दो है। एक तो हमको इनक्रीज करना है यील्ड्स को, जैसे 5 किलो पर कट्ठा होता था तो उसको 20 किलो पर कट्ठा करना है, तो ये इंक्रीज इन यील्ड्स हुआ। और दूसरा है कि जो डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप है, डिजीज रेसिस्टेंट कहने का मतलब है कि उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज होता था, उसको बिना फर्टिलाइजर या बिना इंसेक्टिसाइड दिए उससे आप उसको बचा लिए, उसमें हमने जीन ही ऐसा डाल दिया। बीटी कॉटन इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, तो आप क्रॉप में बीटी कॉटन का ऑप्शन भी लिख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बीटी कॉटन, बेसिलस थुरिंजिनेसिस का हमने वो वहाँ से लिया था, तो वो बीटी उसी से है, बैक्टीरिया का नाम है, कॉटन में डाला था तो उसको हम लोग बीटी कॉटन बोलते हैं। तो बीटी कॉटन इज ए जीएमओ है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो ये बेसिक है, इसी का अगर हिंदी वर्सन हम देखेंगे तो इसमें आपको 2-3 वर्ड्स है, ट्रांसजेनिक क्रॉप क्यों करते हैं, तो यील्ड्स बढ़ाने के लिए, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आरडीएनए आपको बनाना है, ये 2-3 पॉइंट्स इसमें आपको होने पड़ेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आता है और माइक्रोब्स भी आता है, सब कुछ कर सकते हैं हम इसमें। तो आइए इसका हिंदी वर्सन देख लेते हैं। तो हिंदी वर्सन में उसी का हिंदी बनाया हुआ है, आप पढ़ेंगे कि अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ है। अनुवांशिक रूप से मतलब जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कराया गया है,
इसमें वांछित जीव से डीएनए डाला जाता है, मतलब जो आपको जीन चाहिए, जिसका एक्सप्रेशन चाहिए, वो जीन लाके आप किसी में डालते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करना पड़ेगा। ये काम प्रयोगशाला में पहले किया जाता है, उसके बाद ओरिजिनल क्रॉप को हम लोग या एनिमल को फील्ड में लाते हैं। उसी का ये है कि कुछ फसलें बनाया जाता है, इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो ट्रांसजेनिक मतलब जो क्रॉप्स का है मेन पर्पस, वो उसमें जो उपज है उस उपज को बढ़ाना है, और इसमें प्रतिरोधक फसलें मतलब उसमें डिजीज रेसिस्टेंट जो बोल रहे हैं। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लिखने का जो है, ऐसा नहीं कि जो हिंदी में लिखते हैं वो कमज़ोर हैं या जो इंग्लिश में लिखते हैं बहुत तेज हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, और हिंदी इंग्लिश आप बेहतर जानते हैं और इसको आप कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। या आपके पास आपका नोट्स भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये क्लियर करके रखिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे वृद्धि करना है, प्रतिरोधक फसलें बनानी है, ये सब पॉइंट्स हैं। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा, ये सब पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। आई होप ये जीएमओ आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, या आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको इसका नोट्स दे दूंगा। उसके बाद तीसरा, इसमें मतलब सातवां क्वेश्चन जो है आज का, ये क्वेश्चन है, तो इसमें है आपका ये ह्यूमन ओवरी बताना है, ह्यूमन ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो ह्यूमन ओवरी का आप देखेंगे, तो पहले आते हैं हम थोड़ा फिगर में ही देख लेते हैं। तो आप एक ये ओवरी है, तो इसमें आपको फिगर बनाना है। तो फिगर में आप देखेंगे कि क्या फिगर बनाते हैं। तो फिगर में आप जनरली ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे आप कि एक ओवरी बना लेंगे, इसमें ब्लड वेसल्स दिखाए हुआ है तो ब्लड वेसल्स दिखा देंगे। तो आपको जो दिखाना है, क्या क्या दिखाना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, ये चार फॉलिकल्स होते हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, तो ये ग्रोइंग है। प्राइमरी जो है सेकेंडरी में एक्चुअली बनाता है, सेकेंडरी टर्शरी बनाता है, टर्शरी ग्राफियन बनाता है, और ग्राफियन फिर ये होके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड कर जाता है जो कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस है, ठीक है। तो ये ग्रोथ होता है, ये ओवरी में चलते रहता है, ये साइकिल्स जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। तो जब मैच्योर्ड हो जाता है, एडल्ट वोमेन हो जाते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 13-14। तो ये डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स, ये बिफोर बर्थ ही ये साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन फिर प्यूबर्टी तक ये रुका हुआ रहता है, प्यूबर्टी के बाद ये फिर से स्टार्ट होता है, मेनोपॉज तक ये चलता है। तो आपको एक टीएस ऑफ ओवरी दो हमने बस बनाया है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपके कंसर्न में हो उसको आप देखिए। तो जैसे ये डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है, मतलब ये डेवलपिंग है, मतलब इनिशियली ये ऐसे ही होता है, फिर ये प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट्स बनाया, उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स, उसके सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स जो उसके अगल बगल वाले सेल्स हैं उसी को बोलते हैं, उसी में ये फॉलिकुलर फ्लूइड भर जाता है एक कैविटी में, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम बोलते हैं। और ये ओवरी का स्ट्रोमा है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये कॉर्टेक्स स्ट्रोमा बहुत जगह यूज होता है। तो ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ये होता है, बीच में जो होता है वो स्ट्रोमा होता है। उसके बाद ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले FSH काम करता है, FSH के बाद ये FSH ग्रो कराता है, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है, ये ईस्ट्रोजन निकलता है यहाँ से। ईस्ट्रोजन निकलने के बाद क्या होता है, ये फिर से हार्मोनल सिस्टम पे काम करता है, तो FSH को कम कर देता है, LH को ज़्यादा कर देता है, जिसको LH सर्ज बोलते हैं, और LH सर्ज ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर्ड करा देता है, और रप्चर्ड कराने के बाद ये ओवा रिलीज होता है, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ओसाइट्स भी बोलते हैं। ये ओवर रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो 9 डेज तक, ये एक्चुअली 14 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है एक्चुअली, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, इसका भी कंसेप्ट आपको रखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि ये 14 डेज है, तो 14 डेज में ये जो साइकिल होता है 14 डेज में ओवुलेशन होता है, ओवा जो निकलता है ये 14 डेज में निकलता है, ये 28 या 1 डेज है। तो यहां पे 9 डेज तक इसका करीब लाइफ साइकिल है, 9 डेज तक ये रहता है,
ये कॉर्पस ल्यूटियम में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो 9 मंथ तक रहेगा, लेकिन 9 डेज तक ये नॉर्मली रहता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, तो वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक अलग कंसेप्ट है। आपको जो पढ़ना है इसमें बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से आप रप्चर्ड होकर ओवा दिखा दीजिए, तो ओवा के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम दिखा दीजिए। तो जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं सब आपको लिखना पड़ेगा, एक रफ फिगर डायग्राम। हाँ, यहाँ से मतलब चूंकि रिलेटेड क्वेश्चन था इसे हार्मोन से, तो सबसे पहले अगर आपको हार्मोन बोलेगा तो ये प्राइमरी फॉलिकल FSH से डेवलप होता है, FSH के बाद ये FSH से डेवलप होकर ग्रेफियन फॉलिकल निकलता है, यहाँ से इस्ट्रोजन निकलते हैं। ये इस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फिर से LH सर्ज कराता है, ये रप्चर्ड जो होता है उसके लिए LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, तो आप पढ़े होंगे आई होप सो। तो ये सारे हार्मोन्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर दिया हूँ आपके साथ कि आपका अगर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये हार्मोन्स को जरूर देख के जाइए, हार्मोन्स बहुत अच्छा है, मतलब हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इसी प्रोजेस्टेरोन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, तो FSH शुरू में चाहिए, LH उसके बाद इस्ट्रोजन आता है, इस्ट्रोजन के बाद LH सर्ज होता है, LH सर्ज के बाद प्रोजेस्टेरोन आता है, तो यही सीरीज है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़े होंगे और इससे ऑब्जेक्टिव्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। लेकिन इस फिगर में आपको क्या डिस्कस ये है कि आप ये फिगर बनाना चाहें या ये फिगर बनाना चाहें, आपको नाम याद रखना, जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस, हाँ याद रखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है लेकिन एल्बिकेंस जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं करता, ये दोनों में डिफरेंस है ये। और कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग येलो बॉडी बोलते हैं, इसमें ल्यूटीन पिगमेंट्स होता है जिसके चलते इसका कलर जो होता है येलो होता है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे फिगर बना हुआ भी है। और ये एल्बिकेंस जो है ये व्हाइट बॉडी होता है, ये व्हाइट हो जाता है और ये व्हाइट होने के बाद ये ओवरी में ही डिजेनरेट कर जाते हैं। तो टीएस ओवरी में आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे स्टेक कॉर्पल एल्बिकेंस, ये सारे अगर आप दिखा सकते हैं, और याद रखिएगा ये सारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं, ये मिडिल वाला पार्ट जो है ये स्ट्रोमा है। तो ये जो साइकिल्स होते हैं इसके किस में होते हैं, ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मानी ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स में ही ये सब होते हैं। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्टेक्स क्या है, स्ट्रोमा क्या है, इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हॉर्मोन्स को आप जोर ध्यान रखिएगा, तो इसमें ये चूंकि ओभा बनाता है तो जो ओभा बनाता है उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो ये ओभा बनाता है तो ये क्या हुआ, ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी को आपको याद रखना है तो ओवरी में आपको ये हमेशा ये देखना होगा कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओभा, जो भी ऑर्गन सेक्स ऑर्गन जो ओभा बनाता है, जैसे मेल में टेस्टिस जो है प्राइमरी है क्योंकि टेस्टिस स्पर्म बनाता है, तो ओवा प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जी, ह्यूमन में जो डक्टलेस होता है, मतलब इससे सब हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसीलिए इसको डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं, जो फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है एक पेयर्स होते हैं, ये पेल्विक गर्डल में होते हैं, मतलब ये पेल्विस में होता है, एक पेयर होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। हाँ, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ओवा लेफ्ट, जैसे जनवरी में लेफ्ट ओवरी से निकला तो फरवरी में राइट ओवरी से अल्टरनेट निकलता है, ये भी याद रखिएगा। तो एक पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, लेफ्ट और राइट। और इसमें जो होता है क्या प्रोड्यूस होता है, गैमिट्स प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा। तो ओवा में दो चीज़ है कि ये हैप्लोइड होता है, ये मियोसिस के बाद बनता है तो ये हैप्लोइड होता है, तो इसमें 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पर्म भी हैप्लोइड होता है उसमें भी 23 होते हैं, और ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होने से 46 होता है। तो ये कॉमन कंसेप्ट है, इसको आप जरूरी याद रखेंगे। इस फिगर को आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप हो जाएगा। इस फिगर में जो जो नाम है वो आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में बना के, तो आई होप ये फिगर आपको क्लियर हो गया है। तो नीचे में, हाँ, फिगर जब आप बनाएंगे तो नीचे में आप लिखेंगे कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी है, कोई भी फिगर के नीचे में लिगेंड लिखना होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसका भी मार्क्स कट जाएगा, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दोनों फिगर बनाना जरूरी नहीं है, आपको जो इजी लगे एक बना लीजिए। तो इसमें थोड़ा मोर इन्फॉर्मेशन है, इसमें थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप एक जरूर बना के प्रैक्टिस कीजिए कि क्या क्या लिखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग इसका हिंदी वही है कि ये प्राथमिक यौनंग है और ये मादा कोशिकाएं बनाती है ओवम, जिसका नाम ये अंडाणु बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये एक जोड़ा में होता है, तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें है कि आप मेंडल के सक्सेस के बारे में लिखिए कि मेंडल क्यों सक्सेस किए थे। तो मेंडल जिस टाइम में काम किए थे उस वो जो ईयर था वो 1856 से 1863 था। ये बहुत पहले का ईयर था जहां साइंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। तो उस टाइम में मतलब इवन माइक्रोस्कोप भी नहीं थे कि हाँ मतलब कुछ देखा जाए, मतलब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने का कुछ औजार भी नहीं था। तो मेंडल ने सारा काम जो है वो मैथमेटिक्स से किया था, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को लगाया था इसको। इसीलिए मेंडल 34 ईयर तक, मतलब मेंडल के मरने के बाद 34 ईयर तक इनका वर्क अनडिस्कवर्ड रह गया, क्योंकि उस टाइम में एक डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा, अर्थ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में लिखा था। तो सारे साइंटिस्ट उधर ही फोकस कर दिए थे, और मेंडल जो थे वो पादरी थे चर्च के, तो ये साइंटिस्ट नहीं थे, तो इस पर लोगों का ध्यान कम गया। लेकिन इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काम करके दिया वो आज के डेट में भी वैलिड है। जितना काम करके दिया, जो बताया वो आज के डेट में भी सही है। इसीलिए 34 ईयर के बाद जब इसका रीडिस्कवरी हुआ इस इनके वर्क का, तब इनको बाद में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, क्योंकि जो थ्री साइंटिस्ट थे, खैर वो डिफरेंट साइंस है। इसमें जो आपको लिखना है कि वो मतलब क्योंकि उसके बाद देखा गया कि मेंडल अगर कुछ और भी चूज़ कर लेते तो शायद सक्सेस नहीं होते। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस क्या है। तो एक तो मेंडल ने गार्डन पी, वही मटर का प्लांट जिसको पाइसम सैटिवम बोलते हैं, उस पर काम किया 7 ईयर्स तक उनका काम है, और उनका बुक्स भी उस पर उन्होंने ये भी जर्नल भी पब्लिश किया था, उसमें उनका काम आया था। लेकिन ये अननोन रह गया, मेंडल मर गए बिना जाने हुए किसी को, या कोई उनको बिना जाने हुए वो वर्ल्ड से चले गए। 34 ईयर्स के बाद इनका वर्क रीडिस्कवरी हुआ था। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप देखेंगे। तो मेंडल का, हाँ, क्योंकि बाद में देखा क्या गया कि मेंडल अगर इसी डायरेक्शन में थे तभी सक्सेस हुए, अगर कुछ ऐसा चूज़ कर लेते तो सक्सेस नहीं होते, क्योंकि उस बाद में पता चला कि बहुत सारे जीन में लिंकेज है, बहुत सारे जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, एक ही क्रोमोसोम्स पे हैं, अगर वैसा कोई जीन चूज़ कर लेते तो मेंडल सक्सेस नहीं होते। हाँ, किसी में उन्होंने चूज़ भी किया था, लेकिन उन्होंने रिज़ल्ट बताया नहीं था पब्लिक को। बाद में जब उनका लैब देखा गया तब वहाँ से कुछ रिज़ल्ट मिला था कि कुछ प्लांट पे और वो काम किए थे जिस पे उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला था ड्यू टू लिंकेज और रिकम्बिनेशन के चलते। लेकिन मेंडल इसमें भी उनको कुछ में रिज़ल्ट नहीं मिला था, वो सब काम को वो छुपा लिए। बाकी जो उसमें उनको प्रॉपर रिज़ल्ट मिला, जिसका प्रॉपर कॉज था, उसको वो मतलब पब्लिक के सामने में डाला। और ये एक साइंस का एक आर्ट भी है कि किस चीज़ को आपको डालना है। तो इसका चार पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। सिंपल है कि उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ये किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जिसमें मतलब तीन जो था, 2 सीड से था, 1 हाइट से था, 2 फ्लावर से था, 2 पॉड से था। तो ये कभी कभी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी पूछता है, तो ये आप पढ़े होंगे। तो उन्होंने 7 ही लिया, ज़्यादा लेते तो फंसते। तो एक ये भी रीज़न है उनके सक्सेस का कि उन्होंने जो है 7 कंट्रास्टिंग पेयर पे ही काम किया था। दूसरा चीज़ इसमें ये था कि एक आपको याद रखना है कि वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम किए थे। दूसरा था कि वो 1 कैरेक्टर को एक टाइम में लिए, जैसे टॉल लिया, ठीक है, तो टॉल लिया मतलब एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किए थे, उसका प्योर लाइन बनाए थे। तो आप एक पॉइंट है कि 1 कैरेक्टर को, हाँ, 2 कैरेक्टर को डायहाइब्रिड में लिया था, एक साथ स्टडी किया, तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोला गया। तीसरा था कि उनके पास जो अवेलेबल टेक्निक्स था उसमें, मतलब उसमें उनको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उन्होंने इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, 2 प्रोसेस दिया था। इमैस्कुलेशन उसको बोलते हैं कि इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, इन बड स्टेज। तो एंथर मतलब जो मेल, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके मेल पार्ट्स को बड स्टेज में रिमूव कर देना,
तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर वो रहेगा तो सेल्फ हो जाएगा। तो चूंकि मटर का प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जब फ्लावरिंग स्टेज, जब बर्ड स्टेज में होता है तब उसको मेल पार्ट को हटा देते थे, तो उसको हम उस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन बोलते थे। उसके बाद उसको बैग कर देते थे, मतलब पैक कर देते थे बाहर से कुछ। हम लोग भी गाँव में कपड़ा बांध देते हैं ना, तो कपड़ा जो बांधते हैं इसका मतलब है बाहर का पॉलिनेशन उसमें नहीं आएगा, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर आएगा तो हम कंट्रोल्ड पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब इससे हमने उठाए और इससे दे दिए। तो मेंडल का जो काम था वो कुछ कंट्रोल्ड वाला था, तो उन्होंने दो प्रोसेस डेवलप किया था, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। तो वो एवॉइड, मतलब नेचुरल जो क्रॉस पॉलिनेशन था उसको वो एवॉइड किए थे। इसके लिए उन्होंने दो प्रोसेस ईजाद किया था इसको करने के लिए, एक का नाम था इमेस्कुलेशन, एक का बैगिंग। बैगिंग मतलब सिर्फ उसको ढक देना। उसके बाद उनका मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ये बहुत तगड़ा था, ये भी तगड़ा नहीं होता तो वो फेल कर जाते। उनका रिकॉर्ड्स जो था कि एक प्लांट को क्रॉस कराया तो कितना टॉल आया, कितना ड्वार्फ आया, या सीड का रेशियो है, वो एक एक चीज़ का हिसाब बहुत अच्छे से रखते थे। ये भी उनके सक्सेस का एक रीज़न है, क्योंकि उनका रेशियो निकालते थे वो, जैसे आप पढ़े होंगे कि डायब्रिड का क्रॉस का फेनोटिपिक रेशियो है 9:3:1, ठीक है। तो ये रेशियो जो हर एक कैरेक्टर का, सेवन पेयर्स का क्रॉस करा के डायब्रिड में निकालते, उनका रेशियो बहुत अच्छा था। तो चूंकि मैथमेटिशियन कैलकुलेशन में अगर रेशियो अच्छा नहीं होता तो ये गड़बड़ हो जाता है रेशियो, तो उनका रेशियो बहुत अच्छा था। तो दो तीन पॉइंट्स हैं, एक तो वन कैरेक्टर को लिए थे, उसके बाद इनका लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, डोमिनेंस है, बहुत सारे इसका एक ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये सब लॉ आप पढ़े होंगे। लेकिन ये मेंडल का सक्सेस का, इसमें एक दो पॉइंट्स और भी आप जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें वन कैरेक्टर, अवॉइडिंग पॉलिनेशन, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन, सेवन कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, ये तीन चार पॉइंट्स हमने डाला है आपको। ये चार पॉइंट्स तो जरूर याद रहने पड़ेंगे, उसके बाद इसमें आप और भी पॉइंट्स एक दो जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसी का हिंदी है कि वो कब से काम किए थे और उन्होंने मतलब कैसे कैसे यूज़ किया, वही का हिंदी लिखा हुआ है कि उन्होंने एक समय पे एक ही काम किया और जो ये था उसमें गणित और सांख्यिकी का अच्छा से प्रयोग किया था उन्होंने, और सात विपरीत लक्षणों पे उन्होंने काम किया था। ये सात विपरीत लक्षण भी पूछते हैं, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मतलब इसको आप अच्छे से देख के जाइए। मॉलिक्यूलर बेसिस से आया है आपका ये क्वेश्चन कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसक्रिप्शन में, कि ट्रांसक्रिप्शन में जो ये है, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ले जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में मान लीजिए कि ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस टाइप का आपने देखा होगा कि डीएनए से कैसे आरएनए बनते हैं, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनते हैं। तो जैसे मैं देखता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मान लीजिए कि ये डीएनए है, तो डीएनए से हम क्या बोलते हैं, ये आरएनए बनाते हैं, आरएनए से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को, इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। हाँ, एक प्रोसेस ये भी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जनरली वायरस में होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो जनरली वायरस जो होते हैं आरएनए वायरस, वो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है, दो याद रखेंगे। और इस प्रोसेस को, ये आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन। तो ये तीन वर्ड्स आपको बहुत ध्यान, और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो आपको दो चीज़ अच्छे से समझना है कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच डीएनए इज फॉर्म्ड बाय आरएनए। ये जनरली वायरस करते हैं, हम लोगों में नहीं होता। और एक है आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये, और ये पूरा जो है वो सेंट्रल डोगमा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है हमारा, सेंट्रल डोगमा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा।
तो आपको सेंट्रल डोगमा का भी एक कंसेप्ट होगा, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसीलिए मैं आपको ये अच्छा से बता दिया कि इसको आप पढ़े भी होंगे, आप जहाँ भी पढ़े होंगे सर ने आपको पढ़ाया होगा, एक बार सिर्फ रिविज़न के लिए सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने पड़ेंगे। अब आते हैं, आपको जो पूछा है कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में शॉर्ट नोट्स बताइए, तो डीएनए हमारा जो होता है वो टू स्ट्रैंड्स का होता है। अच्छा से देखिए, हम इसको अब रब कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि डीएनए जो है हमारा कितना स्ट्रैंड्स का है, टू स्ट्रैंड्स का। तो मान लीजिए ये थ्री है, ये फाइव है, ये एंटी पैरेलल होता है तो ये फाइव होगा, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है। अब इसमें क्या है कि ये एटीजीसी, जैसे ये ए है तो यहाँ पे टी होगा, ये सी है तो यहाँ पे जी होगा, ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ पे ए होगा, इस टाइप से कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। इस दोनों से सिंथेसिस नहीं होता है एमआरएनए का। एमआरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो इसमें आरएनए पॉलीमरेज आते हैं, तो पहले जो होता है जैसे यूकेरियोट्स में जो होते हैं वो एमआरएनए बनता है, हेटरोजीनस एमआरएनए बनता है, उसमें उसके बाद उसमें आपने पढ़ा होगा स्प्लाइसिंग होता है तब एमआरएनए बनता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स इस मामले में हमसे ज़्यादा एडवांस है, वो डायरेक्ट एमआरएनए ही बना लेता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स मतलब ये कैरेक्टर जो है हम लोगों में वो प्रिमिटिव है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें सिग्मा फैक्टर आते हैं और रो फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर को हम स्टार्टिंग बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग बोलते हैं, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो 5' to 3', आप याद रखिएगा 5' to 3', ये 5' to 3' डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है और ट्रांसलेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जहाँ से आपको पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे कि 5' to 3', ये तीनों होता है, तो याद ही नहीं रखना है, ये कंसेप्ट है। हाँ, ऐसा नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन 3' to 5' होता है, उसको पॉलीमराइजेशन, उसको एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, आप लोग पढ़े भी होंगे एक्सोन्यूक्लियेज, वो डीएनए प्रूफ रीडिंग में काम आता है, लेकिन जनरली आपसे अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होता है या ट्रांसलेशन। तो इसमें देखिए कि अगर हमको 5' से 3' जाना है तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन में आपको जाना है। तो इसको जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग, या एंटी सेंस स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये सबसे पहले ये सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद सिर्फ इसी स्ट्रैंड से, क्योंकि 5' ये है 3' ये रहेगा, तो इस स्ट्रैंड से 5' से 3' में ये सिंथेसिस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये इसके कंप्लीमेंट्री में होता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5' to 3', इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड से कैसे सिंथेसिस होता है। तो जैसे ही अगर ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स का कंप्लीमेंट्री, तो ये ए है तो इसके अगेंस्ट में क्या लगेगा, तो जैसे ये पहले दोनों बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके लगता है, यहाँ सिग्मा फैक्टर पहले बताता है कि हाँ यहीं पे लगना है, उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज हैं, आरएनए पॉलीमरेज आते हैं और सिंथेसिस करते हैं, ये इस प्राइम में मूव करेगा, कहीं पर रो फैक्टर होगा वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो जैसे टी है तो टी के बदले में क्या लगेगा, ए लगेगा, जैसे हम एक स्ट्रैंड लिख लेते हैं इसका, ये क्या क्या है यहाँ पे, जैसे टी है, ये जी है, ये सी है और ये ए है, तो इसके अगेंस्ट में अगर 5' to 3' हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं ये कि ये ए है तो ए के बदले में क्या टी है, तो टी के बदले में ए लगेगा एमआरएनए में, उसके बाद जी है तो जी के बदले में सी लगेगा, सी है तो इसके बदले में जी लगेगा, और ए है ए के बदले में टी लगेगा, लेकिन टी नहीं होता, टी जो होता है आरएनए में नहीं होता, टी की जगह पे क्या होगा, यू होगा, इसको यूरासिल बोलते हैं। तो एक्चुअली टी जो होता है थाइमिन वो एमआरएनए में नहीं होता। उसके बाद इस दोनों के बीच में बॉन्ड कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये 5' होगा, ये 3' होगा, तो यही हुआ आपका एमआरएनए, ये फिर रिलीज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को, तो इसमें दो चीज याद रखते हैं कि दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनते हैं, जिस स्ट्रैंड से बनते हैं उसको हम लोग नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिससे नहीं बनते उसको हम कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस आपको याद रखना है 5' से 3' में होगा। और तीसरा चीज याद रखना है कि हम इसमें टी नहीं होता, टी की जगह पे क्या आएगा, यू। हाँ देखिए, यहाँ पे टी है तो टी की जगह पे एंटी कंप्लीमेंट्री जो है ए आएगा, लेकिन ए की जगह पे टी नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, टी के प्लेस पे क्या होता है, यू होता है, यूरासिल होता है।
तो ये हो गया आपका, ये बन गया, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, आरएनए बनता है, एमआरएनए, एक्चुअली ये एचएनएमआरएनए है। इसके बाद अगर यूकेरियोट्स का है तो इसमें स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग के बाद एमआरएनए बनेगा, वो प्रोसेस डिफरेंट है। आपको बेसिकली ये डिफाइन करना है कि क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आते हैं हम इस पर, देखते हैं इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे इसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो बोलता है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए into RNA is called transcription। तो दो स्टैंड हमने बनाया था, तो दो में से एक स्टैंड से हमने कॉपी किया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दिस RNA कॉपी इज कॉल्ड मैसेंजर RNA, mRNA बोलते हैं, क्योंकि RNA तीन टाइप के होते हैं जनरली, tRNA होते हैं, rRNA होते हैं और mRNA होते हैं। तो rRNA जो होता है वो RNA polymerase first से बनता है, ठीक है। उसके बाद mRNA जो होता है वो RNA polymerase second से बनता है, और tRNA जो होता है RNA polymerase third से बनता है। ये भी इसका बहुत important questions है objectives के लिए, आपको पूछ सकता है objectives में, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। R, इसको हम लिख देते हैं RMT, आप याद रखिएगा first, second और third। ये क्या है first, second, third, ये polymerase है, RNA polymerase, ये क्या है RNA polymerase। तो RMT याद रखिएगा, RMT 1 2 3, तो RNA है, ये क्या है, R क्या है, RNA है, और ये क्या है, polymerase है। तो RNA is formed by RNA polymerase first, mRNA is formed by RNA polymerase second, tRNA is formed by RNA polymerase third। तो ये तीन आप जोड़ याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आते हैं, ये जो mRNA बना, ये किससे बना आपका, इसको हम लोग mRNA बोलते हैं। यही mRNA प्रोटीन बनाता है, इसी mRNA से हम क्या बनाएंगे आगे जाके, प्रोटीन, क्योंकि RNA से आपको देखे ना सेंट्रल डॉग्मा में RNA से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन हमारा एंजाइम होता है। तो जीन जो एक्टिव है इसका मतलब वो एंजाइम बना रहा है, या कोई प्रोटीन बना रहा है, या कोई फंक्शन कर रहा है, तो वो प्रोटीन बनता है उसी mRNA से, लिखा हुआ है मेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो वही mRNA क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहां ले जाता है, प्रोटीन के पास। उसके बाद होता है इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लिक, ये जो mRNA का सिंथेसिस होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस में। तो जैसे ये सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ये है, मतलब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ये सीधा प्लेन नहीं होता, इसमें एक पोर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जब आप बनाएंगे तो ये इसमें न्यूक्लियर पोर होता है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके पोर्स होता है, इसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। तो जब mRNA इसमें सिंथेसिस होता है तो ये मूव कर जाता है इस पोर से, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम और tRNA की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये mRNA का मूवमेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये बनता है DNA से, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो मूव करेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में बना, उसके बाद मूव किया साइटोप्लाज्म में, इसके बाद ये क्या होता है, राइबोसोम और tRNA की हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन्स। ये जो बनाएगा वो क्या बना देगा लास्ट में, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बनाएंगे, ये प्रोटीन्स है। तो ये प्रोटीन्स है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कोई mRNA जो है प्रोटीन्स बनाए। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि RNA polymerase फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है RRNA, mRNA और tRNA को बनाने के लिए। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इसका, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अगेन हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर इस पे दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे आपको। तो आप मतलब एक बार में नहीं समझते हैं तो एक बार फिर से देखेंगे, और लेकिन इसको समझ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये सब क्वेश्चंस अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर का वेटेज दिया जाता है, क्योंकि ये सब नहीं लिख पाते। तो आप एक बार अच्छा से देख के जाएंगे तो आप लिख पाएंगे, आई होप सो। तो ये आपका इसका कैलकुलेशन हुआ। इसी में आपको तीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, जैसे स्ट्रक्चरल जीन है, एक वर्ड यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। तो कोई भी जीन में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ही सिंथेसिस होता है, तो इसको हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल जीन बोला। यही टेम्पलेट है, तो एक कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड से
सिंथेसिस नहीं होता। सिंथेसिस किससे होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। इसी को हम लोग नॉन कोडिंग या एंटी सेंस भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड। इससे हमारा एमआरएनए एंटी सेंस, इससे हमारा एमआरएनए बनेगा। आपको याद रखना है, कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं बनता। तो एक साइड क्या होंगे? प्रोमोटर होंगे, और एक साइड क्या होंगे? टर्मिनेटर होंगे। प्रोमोटर साइड से आरएनए बनना स्टार्ट होगा, तो देखिए ये 3' है, तो इधर से बनना होगा, तो ये 5' होगा, ये 3' होगा, तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या होगा? 5' to 3'। तो इसी प्रोमोटर के साइड से आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, और कहाँ रुकता है? टर्मिनेटर पे जाके। तो स्टार्टिंग करने के लिए आपको पूछेगा, एमआरएनए को जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि स्टार्टिंग जो है वो क्या है, मतलब सिग्मा फैक्टर से स्टार्ट होता है और रो फैक्टर से खत्म होता है। तो सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर के तरफ लगेगा, और आरएनए पॉलीमरेज, देखिए डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है? तो बहुत बेसिक है। तो तीन आप याद रखिएगा कि हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स जो होते हैं उसमें प्रोमोटर होता है, उसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसमें टर्मिनेटर होता है। हाँ, इंजाइम्स जो आपको याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर जो हम बोल रहे हैं वो आरएनए पॉलीमरेज का ही पार्ट है, ठीक है? और ये एक यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है, रो टर्मिनेशन फैक्टर है, और सिग्मा जो है स्टार्टिंग फैक्टर है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए आप दिमाग में रखिए कि सिग्मा फैक्टर जो होता है स्टार्टिंग के लिए होता है, रो फैक्टर जो होता है इंट के लिए होता है, ठीक है? तो ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। इसी का हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी में भी लिखा गया है, सेम है, आप इसको पढ़ लेंगे, हिंदी वाले जो है इसको आप पढ़ेंगे, आई होप आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। तो उसी का हमने हिंदी में अनुवाद कर दिया है, तो आपके लिए ईजी होगा। तो टाइम की वजह से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा आप पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे। वही है, तीन है, इसका क्या क्या नाम है, प्रोमोटर होगा, संरचना, हाँ ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल जीन से ही हमारा एमआरएनए बनेगा। ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर से आरएनए नहीं बनता है, हमको किससे बनता है? स्ट्रक्चरल जीन से। और एक टर्मिनेटर ये खत्म करता है, ये स्टार्ट कराता है, इससे हमारा प्रोडक्ट आता है, सिंपल सी बात है। और प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है आपका, ये ड्रॉ द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को, तो ये भी थोड़ा सा हमको अलग से ले जाके दिखाना होगा कि एंटीबॉडी का कैसे स्ट्रक्चर्स है। तो आते हैं थोड़ा सा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स पे। तो इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछा है, तो देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ठीक है? तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए आपको ले चलते हैं, इसमें दो चेन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, दो चेन्स होते हैं। जैसे देखिए ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो हमने बना दिया वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, तो आप भी ऐसे बना देंगे, आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है लेकिन समझना है थोड़ा सा। लेकिन इसमें क्या होता है, दो चेन्स होते हैं वाई के, ठीक है? तो जैसे एक चेन्स यहाँ पे हो गया, एक चेन्स यहाँ पे हो गया, तो ये छोटा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए इसको हम लाइट चेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट चेन। और ये चूंकि बड़ा होता है तो भारी होता है, इसीलिए हम इसको हैवी चेन बोलते हैं, ठीक है? तो आप दो स्ट्रक्चर्स में ये बनाएंगे, लाइट चेन और हैवी चेन। लेकिन देखिए हमने अभी तक किसी से जोड़ा नहीं, ऐसे ऐसे चेन क्या आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो भाग जाएंगे ना। तो चूंकि ये प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स में जो जुड़े होते हैं जनरली जो बॉन्ड होता है आप याद रखेंगे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड कहने का मतलब होता है दो सल्फर एटम होते हैं और ऐसे जुड़े होते हैं। तो इसमें दो होता है इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब मॉलिकुलर मतलब दो चेन के बीच में। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसे हमने ऐसा लिखा कि ये ऐसा है तो ये इंटरमोलिकुलर हो गया, ठीक है? लेकिन ऐसा अगर हमने बोला कि जैसे ये भी आपस में क्या होता है इंटरमोलिकुलर से जुड़े होते हैं तो ये जुड़े होते हैं। उसके बाद इंट्रामोलिकुलर भी होता है, मतलब एक चेन में ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा, मतलब विद इन द चेन, मतलब एक ही चेन है इसी में एक का, मतलब अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो, प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, जैसे मिथियोनिन है, सिस्टीन है, तो ये सब में सल्फर होता है, तो यही दो होता है मिथियोनिन और सिस्टीन। इसमें जो सल्फर होता है ये डाइसल्फाइड, एक्चुअली SHSH होता है, ठीक है? तो ये H यहाँ से निकलता है और ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो इस टाइप से बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इजी बॉन्ड है, हम लोग बाहर में भी बनाते हैं, इवन हमारा जो इंसुलिन है उसमें भी, वो भी प्रोटीन है, उसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो जब हम हीमुलिन बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, तो बैक्टीरिया ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के हमको नहीं देता, हम दोनों चेन बाहर में निकालते हैं और लैब में इसको हम बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड,
तो ये इजी बॉन्ड है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों चेन को जोड़ के रखता है, अगर नहीं इसको हटा देंगे तो ये चेन उधर भाग जाएगा, ये चेन तब ये एंटीबॉडी नहीं हुआ। एंटीबॉडी में ये दोनों चेन्स जो होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाँ, दोनों जो होते हैं वो क्या लिखेंगे हम कि दोनों चेन्स इंट्रामोलिकुलर भी होते हैं, और ये इंट्रामोलिकुलर मतलब एक चेन में इंटरमोलिकुलर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं इंटर मतलब जैसे आप लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम है, मतलब स्कूल और कॉलेज को जोड़ने का एग्जाम है, तो ये दो चेन को जोड़ने इसको बोलेंगे इंट्रा, इसको क्या बोलेंगे इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, INTRA इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इंटर तो जनरली यही होता है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी से आता है, ये बी सेल ये जो प्रोडक्शन होता है एक्चुअली बी सेल प्रोड्यूस करता है। तो बी सेल जो होता है, कभी कभी आपसे पूछेगा एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप लिख देंगे बी सेल प्रोड्यूसर्स एंटीबॉडी इन द रिगार्ड ऑफ सम एंटीजेंस, या बी सेल ग्रुप ऑफ बी सेल बनाता है जिसको हम लोग ओवरऑल प्लाज्मा सेल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ओवरऑल प्लाज्मा सेल बोलते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो ग्रुप ऑफ बी सेल्स है, तो प्लाज्मा सेल्स भी एंटीबॉडी ही बनाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कि एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो एंटीबॉडी क्या कौन बनाता है, बी सेल बनाता है या प्लाज्मा सेल, जो भी ऑप्शन दे, लेकिन प्लाज्मा सेल बोले अब बी सेल दोनों दिया हो तो प्लाज्मा सेल इज मोर प्रोमिनेंट, आप आंसर में प्लाज्मा सेल लगाइए। तो आप स्ट्रक्चर बेसिकली आप बना लेंगे, आई होप सो। अब इसमें कुछ और नाम है, क्योंकि एंटीजन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसलिए एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एक एंटीबॉडी दूसरे से अलग होता है, क्योंकि एंटीजन अलग होता है। ये एंटीजेनिक रिस्पॉन्स के चलते बी सेल या प्लाज्मा सेल बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, तो इसमें दो साइट्स होते हैं, ये रीजंस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होते हैं। तो वेरिएबल रीजन कहने का मतलब होता है ये वेरिएबल रीजंस है, किसी भी एंटीबॉडी का जो चेंजिंग साइट है वो यही है, ये वेरिएबल, ये ऊपर वाला यही एंटीजन को पकड़ते हैं, यही साइट पे एंटीजन जो होता है वो बॉन्ड होता है, एंटीजन जो इसमें एंटीजन बॉन्ड होता है, तो ये इसी साइट पे एंटीजन बॉन्ड होता है। तो हर एक एंटीजन का अपना रिसेप्टर होता है, इसीलिए हर एक एंटीबॉडी का उसी टाइप से बॉन्डिंग साइट होता है। रिसेप्टर अलग हो गया, रिसेप्टर का साइज मान लीजिए ऐसा है, तो एंटीबॉडी ये वेरिएबल रीजन है वैसे, रिसेप्टर का साइट ऐसा है तो एंटीबॉडी ऐसे होंगे, रिसेप्टर का साइट ऐसा है तो ऐसे होंगे, तो ये बदलता है, तो ये वेरिएबल रीजन, इसको हम बोलते हैं वी रीजन, ठीक है। और ये बाकी जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर्स में समझना पड़ेगा कि कौन सा कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल रीजन, इससे ऊपर वाला इसको हम भी रीजन बोलते हैं, और इधर से इधर को हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। तो वेरिएबल रीजन हैवी चेन में भी आएगा और कांस्टेंट चेन में भी आएगा, लाइट चेन में भी आएगा, और हैवी रीजन भी हैवी रीजन जो भी है उस वो इसमें कांस्टेंट रीजन भी है, वो हैवी चेन में आएगा, लाइट चेन में आएगा, तो दोनों में आता है। हाँ, आपको सिर्फ ये वेरिएबल रीजन है, वी रीजन है, और इसी को हम लोग एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट इसी को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहीं पे एंटीजन बाइंड करता है। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स या बॉडी का भी, कभी कभी जिसको ऑटोइम्यूनिटी हो जाता है तो बॉडी का सेल ही ऑटो एंटीजन हो जाता है। एंटीजन बेसिकली उसको बोलते हैं जो एंटीजेनिक रिस्पांस को बढ़ा देता है। एंटीजेनिक रिस्पांस कहने का मतलब आपको फीवर हो जाएगा, आपको मतलब ये बॉडी में एक्शन है, जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ा तो वो एंटीजेनिक रिस्पांस नहीं करता, ठीक है। कोई माइक्रोब्स अगर अटैक कर दिए हैं तो बॉडी में जनरली एंटीजेनिक रिस्पांस अटैक हो जाता है, जिससे फीवर आ जाता है, फिर आपको इसे लड़ने के लिए बॉडी उससे बचने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से यही क्वेश्चन है, आपको डाइसल्फाइड बनाना है, लाइट रीजन आपको रीजन सब याद रखना है, रीजन सब लिखना है कि लाइट रीजन क्या है, बाइंडिंग साइट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट कौन है होता है, वेरिएबल रीजन क्या है, हैवी चेन क्या है, लाइट चेन क्या है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में यही है। लेकिन ये एंटीबॉडी थोड़ा सा हम इसमें और भी बता देते हैं आपको, ये 5 तरह के होते हैं, गामडे इसको पढ़ते हैं, GAMDE इसको क्या पढ़ते हैं, गामडे, देखिए GAMDE गामडे। लेकिन ये गामडे जो है वो डिक्रीज कंसंट्रेशन है, ये क्या है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन,
डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा 70% ये होता है बॉडी में। तो एक तो ये भी आपको ये गांधे याद रखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है, ये पता चल जाएगा आपको। और आपको तीन एंटीबॉडी का फंक्शन हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जो एंटीबॉडी है वो मदर टू फीटस मूव करता है, ये मदर से फीटस में ये मूव करता है, मदर टू फीटस। ये एंटीबॉडी मदर टू फीटस जाता है कौन, जी। तो इसको जी को लिखते हैं आईजीजी लिखते हैं हम इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो ये प्रोटीन है आईजी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए आता है, तो जी लिखते हैं। ये ए को याद रखिएगा, ए एंटीबॉडी जो है ये इसको हम बोलते हैं आईजीए। ये सिक्रीशन में मिलता है, ये किस में मिलेगा आपको, सिक्रीशन में। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बता रहे हैं आपको, ये इसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो जैसे मदर मिल्क है कोलेस्ट्रम, तो आपसे पूछेगा कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, तो ये सिक्रीशन हुआ ना मदर मिल्क, तो इसीलिए उसमें ये मिलेगा। मदर टू फीटस कौन सा एंटीबॉडी जाता है, तो आईजीजी जाता है। एक आप याद रखिएगा ई, ये एलर्जिक रिएक्शंस में बनते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस में मतलब बॉडी में सिक्रेट, जैसे आप किसी को बोलते हैं ना एस्नोफिलिया हो गया, दही खाने से एस्नोफिलिया हो जाता है, तो दही खाएंगे कुछ एलर्जी होगा आपके बॉडी में, या कुछ एलर्जी हो गया कुछ, जैसे आप कप कवॉच का पत्ता लगा लेंगे तो बॉडी में एलर्जी हो जाएगा, तो उस टाइम में आपके बॉडी में आईजीजी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जब भी आप डॉक्टर्स चेक करते हैं, मान लीजिए बोलेंगे एलर्जी हो गया, तो आपका वो ई का अमाउंट चेक करेंगे कि ई का अमाउंट बॉडी में बढ़ा हुआ है या नहीं है। तो ये तीन फंक्शंस आप जरूर याद रखेंगे, ये आपको बचाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आपको जी याद रखना है मदर टू फीटस, मतलब मदर के अंदर में जब फीटस ग्रो करते रहता है तो मदर उसको कुछ इम्यूनिटी देती है, इवन आफ्टर बर्थ सिक्रीम, फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रम में भी जैसे टीयर में भी आईजीए निकलेगा, कोलेस्ट्रम में आता है। और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर बॉडी में होता है तो जैसे एनाफाइलेटिक शॉक है तो उसमें आईजीजी बहुत बढ़ जाता है बॉडी में, मर जाता है आदमी एनाफाइलेटिक शॉक में। तो इसमें आप याद रखेंगे कि तीन फंक्शन याद रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अभी जो आप देखने वाले हैं बस इसी का देखने वाले हैं। आते हैं हम इसमें कि स्ट्रक्चर्स कैसा है आपका, इसमें देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, एंटीबॉडी इज वाइसेप्ट स्ट्रक्चर, वाइसेप हम बनाया था, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 लाइट 2 हैवी, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है 2 ऑफ दीज चेन्स आर हैवी चेन, 2 बड़े बड़े होते हैं तो उनको हैवी बोलते हैं, 2 छोटे छोटे होते हैं उसको लाइट चेन बोलते हैं। और ये दोनों चेन्स आपस में इच अदर किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों चेन जो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाँ, इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट रीजन होता है, तो आपको याद है ना वाई का जो ऊपर वाला था ये वेरिएबल रीजन था, और ये जो है बेस जो है वाई का वो कॉन्स्टेंट रीजन है, तो ये इसी को मेंशन करना है। यही आपका 10th क्वेश्चन था, इसी को आप हिंदी में देखेंगे। हाँ, इसमें और भी है कुछ जहाँ जो 5 टाइप्स के होते हैं, गामदे याद रखेंगे आप, तो गामदे इसी तरह से लिखा हुआ है GMADE, तो जी मदर टू फीटस जाता है, ये इसमें हमने नहीं लिखा है लेकिन आप वहाँ से देख के उसको ठीक कीजिए। और ये डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं बॉडी में, हमारे बॉडी को बचाते हैं मतलब डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंटीबॉडी ही है, एंटीबॉडी मतलब हमारा रक्षक है, ठीक है। इसी को हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स में आप ये बना सकते हैं कि ए चेन बी चेन होता है, लाइट चेन हैवी चेन, ये छोटे वाले को लाइट चेन बोलते हैं, बड़े वाले को हैवी चेन बोलते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है किस में, सबसे अपर में, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया गया है, आप डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे और ये बना लेंगे, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वेरिएबल रीजंस है, ये क्या है वेरिएबल रीजंस, ये कांस्टेंट रीजन, सी मतलब कांस्टेंट, वी मतलब वेरिएबल, ठीक है। ये एन जो है वो NH2 यहाँ पे फ्री होगा इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप प्रॉपर बना लेंगे, नीचे में लिखना नहीं भूलेंगे कि हाँ ये एंटीजन है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, उसके बाद इसी को हिंदी में लिखा गया है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, दोनों एक भारी होता है उसको हैवी बोलते हैं, जो हल्का होता है उसको हल्का बोलते हैं मतलब लाइट बोलते हैं, और दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो और इसमें 4 टाइप्स के होते हैं और जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस, ये 10th क्वेश्चन था, तो ये हमारा पार्ट 2 है, आज हम इसको अपलोड कर देंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना गुरु दक्षिणा ज्ञान नहीं होता,
तो आप जरूर चैनल को आपका गुरुदक्षिणा वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल्स अभी आपके लिए है, आगे भी हेल्प देंगे, जैसे पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थर्ड है, उस सब के भी मैटर्स इसमें आते हैं। अभी तो आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ट्यूशन नहीं मिल पाता है या वो नहीं पढ़ पाते हैं, आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए कि वो कम से कम लास्ट मोमेंट, देखिए आपका एग्ज़ाम लाइफ में एक ही टाइम होगा, तो आप दूसरे का भी थोड़ा हेल्प कीजिए। आप उनको भी अगर होता है तो कम से कम देखेंगे भी, तो उनको कुछ सीख जाएंगे, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये लाइफ टाइम में एक ही बार एग्ज़ाम होता है, इसलिए आप बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला, ये लास्ट मोमेंट है आपके एग्ज़ाम का। इस टाइम में आप जितना अच्छा कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लिया, लेकिन ये हर एक क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। नेक्स्ट एक वीडियो डालेंगे पार्ट थर्ड, वो आपको कल आएगा, तो कल आने से पहले इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर 5 क्वेश्चन आपके साथ आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आप इसको अच्छे से रेडी करके रखिए, और इसको आप लिख सकते हैं, या आप लिखने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखिए आप इस वीडियो को एक बार, कि मतलब कॉपी पे, या आप जो लिखे हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कि कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। लिखने के लिए आना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में, वो आप शॉर्ट नोट्स करके लिखिए। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन कल तक आप इसको अच्छा कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपका ये 10 क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा टारगेट है छोटा छोटा करके आपका सारा क्वेश्चन करा लेने का, तो एग्जाम से पहले हम सारा क्वेश्चन करा लेंगे। ठीक है, जय हिंद।